प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास सपोज करो कुछ या दो मासेज हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं अपने मन से, एक 10 केजी का पॉइंट मास है और एक 8 केजी का पॉइंट मास है, और सपोज यहां पे एक और मास है 3 केजी का पॉइंट मास है, तीन मासेज पड़े हुए थे, डिस्टेंस भी दे रहा हूं मैं आपको, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस मान लो 15 मीटर है, कुछ भी ऐसी वैल्यू ले ली हमने, आर्बिट्ररी वैल्यू ले ली, ठीक लग रही 15 पर चलो 15 है। क्वेश्चन है कि नेट फोर्स निकालो, फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 केजी मास। सिंपल, तो रूल नंबर 1, 3 केजी मास के लिए हम क्या करेंगे, 3 केजी को फोर्स कौन लगाएगा, आस पड़ोस के मासेज ही लगाएंगे, तो आस पड़ोस में कितने मासेज दिख रहे हैं आपको, 2, एक कौन 10 किलो, 10 किलो 3 केजी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल, इस चैप्टर में रिपेल वर्ड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करती है, कोई प्लैनेट उठा के फेंकता है कि मैं प्लैनेट पे जा रहा हूं, प्लैनेट तो जा यहां से यार, तो रिपेल करता हूं, सुने कभी, कभी भी नहीं होगा, प्लैनेट आपको हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो अर्थ से कैसे भाग जाओगे, मतलब अर्थ आधी चीजों को रिपेल करती है, आधों को अट्रैक्ट करती है, ऐसे कभी सुने नहीं, हमेशा अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन की फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव है, तो 10 केजी का मास 3 केजी को क्या करेगा, अट्रैक्ट, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा बोलो, वैल्यू क्या होगी, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, उसी तरीके से 3 केजी को 8 केजी भी अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, बोलो फोर्स की वैल्यू, जी 3 × 8 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। अब इस 3 केजी के ऊपर दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं, राइट भी और लेफ्ट भी, और अगर मैं कहूं कि नेट फोर्स बोलो इसके ऊपर क्या लगेगी, अब बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दो फोर्सेस ऑपोजिट हैं, तो वेक्टर हमने किए हुए हैं, तो ये फोर्स मान लो बड़ी है, तो जी इंटू 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर माइनस जी इंटू 3 × 8 डिवाइडेड बाई 5, आंसर इतने न्यूटन आंसर होगा, और आंसर कहां पर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट फोर्स लेफ्ट है। बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने इसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर सम यूज किया, F1 वेक्टर एंड F2, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये दो पार्टिकल के लिए है, ऐसा भी तो हो सकता है, इस मान लो इस क्लास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 अप टू mn, और मैंने कहा कि मेरे ऊपर नेट फोर्स कितनी है, तो किसने लगाई, आप सबने लगाई, तो एक वेक्टर ये बनेगा, मेरे से स्टार्ट होगा क्योंकि मेरे ऊपर नेट फोर्स पूछी जा रही है, तो इसने मेरे को अट्रैक्ट किया, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5, F6, Fn, तो मैं, मेरे से पूछे नेट फोर्स कितनी है, मैं बोलूंगा नेट फोर्स इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर, ये मैंने क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, तो कुछ नहीं है, वेक्टर सम को क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ n नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, और नेट वेक्टर निकालना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, कोई कहता है जी मेरे को छोड़ो जी इसके ऊपर नेट फोर्स निकालो, तो अब सारे वेक्टर इस पे बनेंगे, ये कह रहा है जी कि मैं इसे क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, Fn वेक्टर, नेट फोर्स निकालता रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, ये लगा के दिखाया मैंने। मैं अपना एग्जांपल चेंज करता हूं, जैसे सपोज करो, ये तो एक एग्जांपल है ही है, ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसी के अंदर, सपोज करो आपके पास एक मास है 10 केजी, तो एक मास है यहां पर 10 केजी और एक मास है यहां पर 8 केजी और एक मास यहां पर 3 केजी, डिस्टेंस वही 5 मीटर और 15 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 8 केजी मास, मैंने मास ही चेंज कर दिया, मैं कह रहा हूं 3 केजी पे मास फोर्स चाहिए ही नहीं, मेरे को कहां पर चाहिए, 8 किलो पे चाहिए। अब 8 केजी पे जो फोर्स आएगी, देखो क्या आएगी, अब सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करेंगे, 8 केजी पे, कैसे, 8 केजी पे फोर्स लगाएगा कौन, सराउंडिंग मासेस, सराउंडिंग में कौन कौन मासेस हैं, एक 3 और एक 10, 3 केजी 8 केजी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, बोलो फोर्स क्या, जी 3 8
बाय 15 का स्क्वायर। उसी तरीके से 10 केजी 8 केजी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट बाय अ फोर्स ऑफ जी, 10 8 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5 कितना 20 का स्क्वायर। अब नेट फोर्स अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, जी इंटू 3 इंटू 8 बाय 15 का स्क्वायर प्लस जी इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20 स्क्वायर, इतने न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्या है पॉइंट क्लियर? और कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो ये पॉइंट नोट किया। अब जब आप ये प्रॉब्लम करोगे ना, अभी लगा मैं आपको लगाने को देता हूँ कि लगाओ प्रिंसिपल सुपरपोजिशन और नेट फोर्स निकालो। जब आप करोगे तो ये तो आपको समझ में आ गई बात कि अगर आपको नेट फोर्स 8 केजी पे निकालने को कही तो सारे वेक्टर 8 केजी पे ड्रॉ होंगे, और अगर 3 केजी पे कही तो सारे वेक्टर 3 केजी पे होंगे, और अगर 10 केजी पे कही गई नेट फोर्स तो 10 केजी पे होंगे। फिर भी जब आप सॉल्व करेंगे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये तो समझ में आ गया कि 3 केजी ने 8 केजी को अट्रैक्ट किया, 10 केजी ने 8 केजी को अट्रैक्ट किया, ये भी तो बताओ कि 10 केजी ने 3 केजी को अट्रैक्ट किया, 3 केजी ने 10 केजी को, वो तो हम लिया ही नहीं क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं। तो स्टूडेंट कहता फिर यहां पे होना तो चाहिए ना। हाँ होता होगा ना, मैंने तो मना ही नहीं किया। जब मैं अपने ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं ना आप सबकी वजह से, तो मैं सबकी फोर्सेस इसकी और इसकी मेरी फोर्स, इसकी और मेरी फोर्स, इसकी और मेरी फोर्स ले रहा हूं। मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि उसने उसको कितनी फोर्स लगाई, मेरे को क्या लेना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे ऊपर है। तो वेक्टर सारे इस पे बनेंगे, इसने इसको क्या किया फोर्स लगाई, या 3 केजी ने 10 केजी को क्या फोर्स लगाई, हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, हमसे पूछा नहीं। क्योंकि तो नेट फोर्स अगर 8 केजी पे पूछा तो 8 केजी पे ही वेक्टर बनेंगे आपस में, बाकियों ने क्या किया नहीं चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो आप एक बार जरा इसमें करके देखें अपनी कॉपी में। सपोज करो ये मान लो 8 केजी है, ये मान लो 3 केजी है, ये मान लो 15 केजी है, ठीक, और ये मान लो 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। अगर मैं बोलूं फाइंड नेट फोर्स ऑन 8 केजी मास, तो बनाना जरा वेक्टर कैसे बनेंगे और वैल्यूज लिख के दिखाना जरा कैसे लिखेंगे, करके देखो। दो वेक्टर ड्रॉ करो, कैसे बनाओगे, डायरेक्शन क्या होगी और उनकी वैल्यूज क्या होंगी और नेट फोर्स क्या होगी। सॉल्व करने को नहीं कहा, बस वेक्टर ड्रॉ करो और उसकी वैल्यूज फॉर्मूला लिख दो बस। देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहला काम 8 केजी पे नेट फोर्स निकालनी है। किसने लगाई, 3 और 15 ने, तो 3 ने 8 केजी को अपनी तरफ क्या किया अट्रैक्ट, फोर्स कितनी जी इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, राइट। उसी तरीके से सेम तरीके से 15 केजी ने भी 8 केजी को क्या किया अट्रैक्ट, कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया, जी इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू जी इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस जी इंटू 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, इतने न्यूटन आंसर आएगा टुवर्ड्स राइट। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आता है, और इसके अंदर 3 ने 15 को, 15 ने 3 को क्या फोर्स लगाई, हमें कंसिडर नहीं करना। तो जिस मास पे क्वेश्चन पूछा उसी पे वेक्टर ड्रॉ करने हैं, बातें खत्म। ठीक है यहां तक?